आज हम लोग यहाँ पर जो देश के अंदर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 70-75 सालों में, 12 लाख करोड़ रुपए का अडानी ने प्रॉब्लम दिया है इस देश के अंदर में, बहुत सारी कंपनीज़ को डुबाया है, बहुत सारी कंपनीज़ को प्रॉब्लम किया है, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स, रेलवेज, बिजली, सड़क, रोड, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज उनको दे दी है। फॉरेन कंट्री में जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर भी उन्होंने अपना जितना भी जा कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इसराइल हो, चाहे कहीं पर हो, जैसा भी उनका साइन हो जाता था उसके बाद इमीडिएटली वो काम अडानी जी को मिल जाता था। नेपाल के अंदर में पावर प्लांट लगाने का 20,000 करोड़ देश ने दिया, वहाँ पर भी बोला जाता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से इस देश के अंदर में 12 लाख करोड़ रुपए का प्रॉब्लम आया है, सीरियस फाइनेंशियल ऑफेंस है ये। देश के अंदर में एक नया डिपार्टमेंट खोला मोदी जी डिपार्टमेंट ने, सीरियस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, ED, जो देश के अपोजिशन पार्टी है, लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात करता है तो तुरंत उनके पीछे ED लगाई जाती है, तुरंत उनके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया जाता है, आम आदमी पार्टी के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया जाता है। लेकिन इस देश में 12 लाख करोड़ रुपए का लफड़ा हो गया, उसका नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सहारा के सुब्रतो रॉय, जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉब्लम किया था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने 2.5 साल की जेल उन काटने के बाद, अभी वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर में बाहर है, लेकिन उनका वो देश छोड़ के नहीं गए। यहाँ 12 लाख करोड़ रुपए का लफड़ा हो रहा है देश के अंदर में, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके लपेटे में आएंगी, लोगों का पैसा बर्बाद होगा, उनका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, उनका कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि अगर अडानी डूब रहा है तो एक भी आदमी की नौकरी नहीं गई। अरे वो झूठी कंपनियों के अंदर एक भी आदमी के नौकरी नहीं था, शेल कंपनियां बनाई हुई थी, 35-40 कंपनियां शेल कंपनियां बनाई हुई थी जो उनके प्राइसेस जैकअप करती थी शेयर्स के, वहाँ नौकरी नहीं है तो किसको निकालेंगे? इनके भाई माई बाप है और इनके भाई सब कुछ है, किसको निकालेंगे? और सोशल मीडिया पे उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि इन्होंने किसी को नौकरी से नहीं निकाला, सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। तो मोदी सरकार की ये जो नीति है ये दोगली नीति है, ये मोदी सरकार की अडानी के साथ यारी देश को बहुत महंगी पड़ने वाली है। हम उसका प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं।